कानपुर से हावड़ा दिल्ली नेशनल हाईवे पर गुजरता है। पिछले 48 घंटे से यह नेशनल हाईवे थाई मछलियों की तस्करी करने वालों के लिए पुलिस की निगाह में आ गया है। दरअसल कानपुर से जो हाईवे गुजरता है वहां से पश्चिम बंगाल से आने वाले ट्रकों में थाई मछलियों की तस्करी बड़े पैमाने पर हरियाणा और दिल्ली रोड पर की जा रही है। कानपुर पुलिस ने पिछले 48 घंटों में 2 ट्रकों से भारी मात्रा में थाई मछलियों को बरामद किया है। पहली कार्रवाई महाराजपुर पुलिस ने की थी 48 घंटे पहले, जहां एक ट्रक पकड़ा गया था जो पश्चिम बंगाल से हरियाणा जा रहा था, उसमें 20 टन के लगभग थाई मछलियां थीं। थाई मछलियों की तस्करी पर प्रतिबंध है। उसमें प्रतिबंधित मछलियों को ले जाने वाले 2 आरोपी पकड़े गए थे, जावेद और सरफराज। ये मछली किसके द्वारा कहाँ लिए जा रहे थे, इनके पास कोई कागज नहीं था। ये तस्करी का काम ही ऐसा होता है कि ड्राइवर और कंडक्टर को भी नहीं पता होता है कि कौन मछली भेज रहा है और किसके पास जा रही है। इसके बाद पुलिस की निगाहें सक्रिय हुई, कमिश्नर के आदेश पर दोबारा जांच शुरू हुई। एसपी ट्रैफिक तेज स्वरूप सिंह की टीम ने 24 घंटे पहले भी एक ट्रक और पकड़ा है जो पश्चिम बंगाल से दिल्ली रोड पर जा रहा था, इसमें भी थाई मछलियाँ थीं। एक ट्रक फतेहपुर साइड से आ रहा था और चूंकि पहले से ही वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त थी कि इस तरह के अवैध मछलियों के लेकर के ट्रक निकाले जा रहे हैं यहाँ से, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हम लोगों द्वारा चेकिंग भी किया जा रहा था। एक ट्रक यहाँ से निकला HR नंबर का था, जिसमें से पानी लगातार गिर रहा था, तो हम लोगों को संदेह हुआ कि हो सकता है इसमें मछलियाँ हों। तो उस ट्रक को साइड में लगवाया गया, उसको चेक किया गया तो उसमें बाकी मछलियाँ थीं, परंतु ये कन्फर्म नहीं था ये कौन सी मछलियाँ हैं। उनके जो ट्रक के ड्राइवर और उनके साथ में जो लोग थे वो बता रहे थे ये देसी मछली है। तो मेरे द्वारा उसको वरिष्ठ अधिकारियों को उसके बारे में सूचित किया गया, हमारे TI सर आए, उन्होंने भी उस मछलियों को देखा, उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंधित थाई मछली है जिसको मत्स्य विभाग की टीम द्वारा चेक करने के लिए भी भेजा गया और उस ट्रक को पकड़ करके हम लोगों द्वारा गेम आवश्यकारी कार्रवाई हेतु चकरी थाने के सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये संभवतः कोलकाता साइड से आ रहा था और ड्राइवर ने बताया कि इटावा जा रहा था। कहाँ पे पकड़ा गया? ये रामादेवी के हाईवे के ऊपर जो डायवर्जन पॉइंट है वहाँ पे पकड़ा गया। इसमें अभी 3 लोग पकड़े गए हैं। कानपुर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ऐसे 5 लोगों को पकड़ा है, 2 ट्रक पकड़े हैं जिनमें थाई मछलियों की तस्करी की जा रही थी। अब पुलिस पूरे रैकेट के पर्दाफाश में लग गई है, आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो थाई मछली की तस्करी कर रहे हैं। मछली बाजार के मार्केट में माना जाता है कि थाई मछली की कीमत काफ़ी होती है, ये करोड़ों का धंधा है और कब से चल रहा था, पुलिस अब इसकी तह में भी जाएगी। देखना होगा पुलिस उन तस्करों तक पहुँच पाती है कि नहीं जो पश्चिम बंगाल में थाई मछलियों को ट्रकों में लोड करके दिल्ली और हरियाणा के मार्केट में बेचने के लिए भेज रहे हैं। रंजय सिंह, कानपुर तक।